हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। अब एक और बार खुश तो बहुत होंगे आप लोग, क्योंकि यहां पर गोली चल चुकी है और किसको लगी है ये सस्पेंस है। अब यहां पर सभी को जानना ये है कि क्या चाहते हैं कहानी के मेकर्स। क्या वाकई में यहां पर ये वो गोल्डन मोमेंट है जब पत्र लेखा दीदी हम सभी को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले जाएगी, या फिर इस बार भी ये गोली किसी और को नहीं बल्कि सही को ही लगने वाली है। और एक वर्ग ऐसा है जो एकदम अलग ही खेल रहा है, मतलब पता नहीं क्यों, पर विराट के कारण। और लोग चाहते हैं कि गोली उस विराट को लगनी चाहिए ताकि उसका किया करा उसको समझ में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विराट ही इन सब चीजों के फसाद की जड़ है, क्योंकि वो सच छुपा लेता है, उसके बाद बातें बिगड़ जाती है और अब तो गोली चलने तक की बात सामने आ चुकी है। अब यहां पर दोस्तों सब कुछ बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जो न्यू अपडेट आ रही है सीरियल से जुड़ी कि इस गोली किसको लगी है, ये बड़ी ही कमाल की और बड़ी ही शॉकिंग है आप सभी के लिए। एंड कहीं ना कहीं तीनों वर्ग में से किसी एक की तो मुराद पूरी होगी, कंफर्म है। अब दोस्तों सबसे पहले आने वाले एपिसोड के अंदर इस प्राइज को डेडिकेट करने की बात के ऊपर कहानी आगे बढ़ने वाली है। यहां पर 72 घंटे का वक्त विराट को मिला था और ये 72 घंटे हमारे लिए 7 दिन से भी ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि अभी भी 32 घंटे जो है बाकी हैं और 72 घंटे तो आधे ही हुए हैं अभी तक। ऐसे में यहां पर विराट जो है पूरी तरीके से सोच रहा है कि किसी भी तरीके से जो है मैसेज पहुंचा दूं पत्रलेखा तक कि विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है। अब विराट की हिम्मत हो नहीं रही कि पत्रलेखा को सामने जाकर फेस टू फेस बोल दूं कि भाई तुम्हारा बेटा नहीं है और वो नहीं हो सकता है कुछ भी। तो यहां पर विराट भाई साहब मैसेज तक का सहारा ले रहे हैं कि काम करता हूं मैसेज ड्रॉप कर देता हूं। लेकिन यहां पर विराट जो है इस बार भी कामयाब नहीं हो पाता, बच्चा उसका फोन छीन लेता है और उसके बाद तो जैसे विराट को फोन मिला ही ना हो। और यहां पर विराट कंपटीशन में भी ऐसे एकदम सुन्न होकर बैठ जाता है, ऐसे नहीं कि साइड में ले जाकर बात बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच जो है किसी कंपटीशन से और बच्चे की खुशी से और फैमिली की खुशी से भी काफी ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि यहां पर किसी मां का सवाल है और किसी की जान का सवाल है, तो विराट को इस चीज को सबसे पहले आगे रखना चाहिए। पर विराट ऐसा नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा ये हम सभी को नहीं पता, सीएल के मेकर से जानते हैं। और विराट भी बेचारा नील भट्ट जो है वो भी जो है स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनका भी इसमें कोई हाथ नहीं होता है कि वो क्या चाहते हैं। उनको तो जो स्क्रिप्ट मिलती है वो वैसा किरदार निभा लेते हैं, वैसा एक्ट कर लेते हैं, इसमें उनकी भी क्या गलती। और सील के जो लोग हैं जुड़े हैं सील से, अगर वो नील भट्ट को ट्रोल करते हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको तो जो स्क्रिप्ट मिलती है वो तो वही बोल देते हैं। अब मुद्दे की बात यहां पर यह आती है कि विनायक तो जो है अपनी आई को सबसे पहले मानने वाला है और आई जो है उसके पत्र लेखा है और पत्र लेखा को ही जो है वो अपनी असल आई मानता है। और अब तो वीडियो वायरल हो चुका है तो इस कारण से सभी को मालूम है कि पत्रलेखा बहुत अच्छी माँ है। लेकिन विराट को ये बात भी मालूम है कि वो बहुत अच्छी माँ है, लेकिन वो बहुत सटकेली भी है और बहुत ज्यादा उल्टे सीधे कदम भी उठा सकती है, और इसी कारण से विराट जो है काफी ज्यादा डर रहा है उसे सच बताने से। ऐसे में यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर जब पत्रलेखा को सच पता चल जाएगा तो पत्रलेखा विनायक को लेकर फरार होने वाली है यहां पर। और फाइनली यहां पर वो सीन आपको देखने को मिल सकता है गोली वाला। और बहुत सारे लोग यहां पर पूछ रहे थे कि क्या फिर से ये हमें जो है सीरियल के अंदर एक ड्रीम सिक्वेंस देखने को मिल रहा है, क्या ये ड्रीम का सीन होने वाला है या विराट की इमेजिनेशन होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बताया जा रहा है कि ड्रीम का सीन नहीं है, रियल सीन आपको देखने को मिलने वाला है कहानी के अंदर। और जो विराट का दर्द था वो यहां पर यकीनन में बदलने वाला है, में बदलने वाला है, क्योंकि विराट को लग ही रहा था कि जैसे ही पत्रलेखा को सच्चाई पता चलेगी विराट तो जो है कि जो पत्रलेखा है वो तो गलत कदम उठाएगी ही उठाएगी, और वही सीन आपको देखने को मिल सकता है। और अब तक तो अपडेट्स यही आ रही है कि विराट जो है यहां पर कोई ड्रीम सीन नहीं होने वाला है, विराट का ये एकदम हकीकत सीन होने वाला है जो आपको देखने को मिलेगा। अब हकीकत है तो यहां पर सवाल ये उठता है कि गोली आखिरकार जाकर लगी किसको है, और विराट इतनी हाथापाई करता है गुंडों से लेकिन यहां पर दोनों को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और पत्रलेखा के हाथ से वो बंदूक तक नहीं छीन पाया जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स को, बड़े बड़े आतंकवादियों को, नक्सलियों को जो है मौत के घाट उतार देता है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार कर लेता है, वो पत्रलेखा के हाथ से बंदूक नहीं ले पाया। वेल क्या कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में जो उन्होंने प्ले कर दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि ये गोली किसी और को नहीं बल्कि लगने वाली है विराट को, और विराट यहां पर जो है काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। एंड एंगल के हिसाब से तो विराट के पेट में गोली लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्री कैप दिखाया गया तो विराट की तरफ एक गन पॉइंट था। एंड बताया भी यही जा रहा है कि विराट के किरदार को यहां पर गोली लगने वाली है, क्योंकि सही ऑलरेडी कई बार हॉस्पिटल की सीन में जा चुकी है, पत्रलेखा ऑलरेडी इतनी ज्यादा इंजर्ड है, इतनी ज्यादा परेशान, इतनी ज्यादा बीमार है
कि अब उसको गोली लग गई तो भाई कोई डॉक्टर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जो उसको बचा पाएगा। और सीरियल के मेकर्स फिलहाल पत्र लेखक को अलविदा नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कहानी भला आगे कैसे बढ़ाएंगे फिर। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर बसता है विराट। तो यहां पर बताया जा रहा है कि विराट को गोली लगने वाली है एंड इसी रीजन के साथ जो है यहां पर पत्र लेखक जो है पूरी तरीके से टूट जाएगी, क्योंकि विनायक के छीनने का गम तो वैसा ही और विराट की जान भी जब खतरे में होगी तो सीधी बात है यहां पर पत्र लेखक को भी काफी कुछ रियलाइज होने वाला है। एंड यहां पर गोली वाली सवाल आ गई है तो सीधी सी बात है पत्र लेखक नेगेटिव टर्न तो ऑलरेडी हो चुकी है अगर उसने गोली का सहारा ले ही लिया है तो। ऑल ओवर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड के लिए। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।